बीते 7 सितंबर को देर रात जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वहीं इस दौरान भक्त भगवान की छवि को निहारने के लिए व्याकुल होने लगे, लेकिन इस दौरान पन्ना राजघराने की महारानी जितेश्वरी देवी बेकाबू हो गई। महारानी जबरन मंदिर के गर्भगृह में घुस गई और पुजारी के हाथ से चंबर छुड़ा लिया। भक्तों ने इस अभद्रता पर आपत्ति जताई। भक्तों द्वारा महारानी को गर्भगृह से बाहर निकालने की मांग की गई। मंदिर में कुछ उपद्रव कल हुआ था, कौन महिला है और क्या गिरफ्तारी की गई है, किन धाराओं के तहत और पुलिस क्या कर रही है? दरअसल यह प्रकरण कल जुगल किशोर जी मंदिर का है, जहां पर के भगवान जुगल किशोर जी के जन्मोत्सव के दौरान रात्रि लगभग 12 बजे जब प्रकटन समारोह चल रहा था, उसी समय जैसा कि मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से यह शिकायत की गई है कि श्रीमती जितेश्वरी देवी जो कि राजमहल पैलेस पन्ना की निवासी हैं, उनके द्वारा वहां अनधिकृत तौर पर जबरदस्ती गर्भगृह में प्रवेश किया गया और वहां जबरदस्ती चावर प्राप्त कर उसे असंयमित तरीके से हिलाया गया और साथ ही जो आरती थी उसे बुझाने का प्रयास किया गया, जिससे कि मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुँची और भगवान का अपमान हुआ। इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा उनके द्वारा जो प्रस्तुत वीडियो इत्यादि भी देखे गए, जिसमें यह पाया गया कि अनावेदिका के द्वारा ड्यूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ जब उन्हें हटाने का प्रयास किया गया तो झूमा झटकी भी हुई है, जिसको लेकर के धारा 295A के तहत पहले प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 353 भारतीय दंड संहिता भी बढ़ाई गई है। प्रकरण में आरोपी श्रीमती जितेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। FIR में है कि शराब के नशे में थी। मंदिर प्रबंध समिति की शिकायत में यह बात आई है कि वह शराब के नशे में थी, इस संबंध में भी परीक्षण कराया जाएगा। मेडिकल टीम आई है, उनका सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं शराब के नशे के संबंध में परीक्षण कराया जाएगा। उनका कहना है कि षड्यंत्र के तहत पुलिस गिरफ्तार कर रही है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य आए हैं, जो वीडियो फुटेज इत्यादि प्रबंध समिति ने उपलब्ध कराए हैं, उसके अनुसार उनके द्वारा की गई शिकायत प्रथम दृष्टया वहाँ पर